हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड के फर्स्ट और सेकंड ईयर के रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था और साथ ही साथ बहुत सारे डाउट है बच्चों के मन में, जिसको जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके डाउट को जो है क्लियर करने वाला हूँ। तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ बने रहेंगे, पूरे अंत तक जो है वीडियो को देखेंगे, और साथ ही साथ अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर जो है डीएलएड और बीएड और सीटेट से रिलेटेड सारे नोट्स और सारे क्लास जो है करवाए जाते हैं, जो कि आपके भावी भविष्य के निर्माण के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक होगा और काफ़ी ज़्यादा योगदान होगा। तो सबसे पहले जो है मैं बात कर लूँ फर्स्ट और सेकंड ईयर के रिजल्ट के ऊपर, क्योंकि एग्ज़ाम का जो है काफ़ी समय हो गया है और काफ़ी सारे बच्चे के मन में जो है यह प्रश्न आ रहे थे कि सर रिजल्ट कब आएगी। सेकंड ईयर वाले भी बच्चे पूछ रहे हैं और फर्स्ट ईयर वाले भी पूछ रहे हैं। तो मैं आपको जो है कोई डेट बताने वाला नहीं हूँ और ना ही कोई समय बताने वाला हूँ। मैं आपको जो है कुछ तथ्य बताने वाला हूँ, जो कि आपके अप्रॉक्स जो है उस महीने में जो है आपका रिजल्ट आ जाएगी, क्योंकि अभी तक जो है बिहार बोर्ड की तरफ से जो है कोई भी डेट जो है जारी नहीं की गई है। और यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो है आपकी कॉपी भी चेक शुरू होना नहीं हुआ है। कहने का अर्थ है कि आपका एग्ज़ाम जो हुआ है उसका अभी कॉपी भी चेक नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो है आपके रिजल्ट में देरी हो रही है या परेशानी हो रही है। मैं आपको बता दूं कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका मार्च के फर्स्ट वीक तक आएगा। आप ले लें उसको फरवरी के लास्ट वीक, नहीं तो मार्च के फर्स्ट वीक में जो है आपका रिजल्ट आएगा। अब कारण क्या है, क्यों आएगा, क्योंकि अभी जो है जनवरी चल रही है और अभी जो है अभी तक जो है आपकी कॉपी चेक होना शुरू भी नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होगी और कोविड है जिसकी वजह से जो है आपकी कॉपी चेक नहीं हो पा रही है। और साथ ही साथ आप देखेंगे अगर बिहार है तो बिहार में देखें कि बिहार बोर्ड का जो क्लास 10th और 12th का एग्ज़ाम है जो जनवरी में स्टार्ट हो गई है, तो जितने भी टीचर्स होते हैं वो सारे जो है आपके उसमें चले जाते हैं, और जब उसका एग्ज़ाम होगा तो सारे जो बोर्ड ऑफिस होते हैं सारा कंट्रोल उसके ऊपर चला जाता है। तो यहाँ जो है आपका कॉपी जाँच होने में और देरी हो सकती है, मतलब कि अब यह लिख ले कि आपका जो कॉपी होगा वह जनवरी के लास्ट वीक से स्टार्ट होगा और फरवरी से स्टार्ट होगा आपका कॉपी चेक करना, और कॉपी चेक करने में जो है लमसम आपका 15 दिन या 20 दिन लग जाता है, उसके बाद जो है रिजल्ट की प्रक्रिया शुरू होती है। तो आप दिमाग में यह बैठा ले, आप टेंशन नहीं ले कि आपका रिजल्ट जो है जरूर आएगा। बहुत सारे बच्चे का मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ, उन्हें कमेंट भी पढ़ रहा हूँ कि सर कब आएगी, कि इतने समय हो गए, लंबे समय हो गए। तो ये हमारे हाथ में ना है ना आपके हाथ में है, यह बोर्ड के हाथ में है। जैसे वो निर्देश देगा उस तरह जो है आपके कार्य को किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि आपका जो रिजल्ट है वह लिख ले आप कहीं फरवरी के लास्ट वीक, नहीं तो आपके मार्च के जो है फर्स्ट वीक तक जो है आपके रिजल्ट जो है आएंगे, क्योंकि अभी तक जो है आपका कॉपी चेक होना शुरू भी नहीं हुआ है। तो जो भी बच्चे का डाउट था कि सर रिजल्ट कब आएगी, आप दिमाग में बैठा ले कि आपका रिजल्ट जो है फरवरी के लास्ट वीक, नहीं तो आपके मार्च के फर्स्ट वीक तक जो है रिजल्ट आपकी आएगी। तो आप रिजल्ट का टेंशन लेना छोड़ दे, आप सेकेंड ईयर की क्लास करें, और जो बच्चे सेकेंड ईयर का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो अपना सीटेट की तैयारी करें, क्योंकि आपका जो 2022 का सीटेट आएगा उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाए। आप जब डीएलएड किए हैं तो आपको सीटेट देना है, तो आप सीटेट की प्रिपरेशन अभी से ही करना शुरू कर दे, क्यों रिजल्ट के चक्कर में पड़े हुए हैं। रिजल्ट आपकी आएगी, रिजल्ट कहीं भाग नहीं जाएगी, समय पर आएगी। आपको पता है कि अभी क्या है, अभी कोरोना काल चल रहा है, सारे कुछ बंद है, जिसकी वजह से लेट हो रही है। यदि आप बोल सकते हैं कि बोर्ड की लापरवाही है कि इतने समय हो गए, एक दो महीने हो चुके हैं, अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो ये भी बात हो सकती है। लेकिन कोरोना काल भी है और साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से जो है अभी तक आपकी कॉपी चेक होना शुरू भी नहीं हुआ है। यह दिमाग में आप बैठा ले कि आपका कॉपी चेक होना अभी तक शुरू नहीं हुआ है, और जब तक शुरू नहीं होगा, जब तक अंत नहीं होगा और शुरू होगा, तो आपके कॉपी चेक करने में लमसम जो है 15 से 20 दिन लग जाते हैं, और जब 20 दिन हो जाएंगे उसके बाद 10 दिन के बाद जो है आपके रिजल्ट की प्रक्रिया शुरू होती है। उसके बाद जो है आपको फरवरी के लास्ट वीक, नहीं तो मार्च में जो आपका रिजल्ट जो है कंफर्म आएगी, और इस महीने में तो नहीं आ पाएगी, क्योंकि इस महीने में जो है आपकी बिहार बोर्ड की क्लास 10th और 12th की एग्जाम स्टार्ट हो गई है, तो इस प्रॉब्लम से और नहीं आ पाएगी। तो आप निश्चिंत रहे, अच्छे से पढ़ाई करें, अपने जो सिलेबस है उसको कवर करें। अगर सेकेंड ईयर वाले हैं वो अपने सीटेट की प्रिपरेशन करें, और जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो सेकेंड ईयर के ऊपर अपना फोकस करें। आपका रिजल्ट जो है फरवरी के लास्ट वीक, नहीं तो आपका मार्च का फर्स्ट वीक तक जो है आपका रिजल्ट आएगा। तो यह बात आपके क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इसका कोई अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है। ये भी पूछ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रॉक्स बता रहा हूँ,
लेकिन लमसम लमसम जो है यह सही ही रहेगा, क्योंकि आपका रिजल्ट जो है फरवरी तक जो है आ जाना चाहिए, लेकिन फरवरी के लास्ट वीक नहीं तो मार्च के फर्स्ट वीक तक जो है आपका रिजल्ट कन्फर्म है कि आ जाएगा, आप इस बात को ध्यान दें। अब आते हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में ऊपर डाउट है, जो बच्चे सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं वो क्या करें। तो जो सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं वो पहले बेसिक पढ़े, अगर आप बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपके हायर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। जो बच्चे अगर सेकेंड ईयर के एग्जाम दे चुके हैं उनसे मैं ये अनुरोध करता हूँ कि आप क्या करें, डीएलएड के जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के आपके पास अगर नोट्स है उसको एक बार पढ़ ले, क्योंकि सीटेट जो फर्स्ट पेपर होता है वही सारे नोट्स आते हैं, अलग से नहीं आते हैं। पेपर टू में थोड़ी अलग है, लेकिन पेपर वन जो है आपका वही प्रश्न सारे आएंगे जो कि आप डीएलएड में जो पढ़े होंगे। और जो बच्चे सेकेंड ईयर में हैं अभी एट द प्रेजेंट टाइम, उनको मैं कहूँगा कि आप सेकेंड ईयर के ऊपर जो है फोकस करें, साथ ही साथ जो फर्स्ट ईयर के अगर कोई टॉपिक छूट चुका है तो उसे आप रिकवर करें, पढ़े। और सीटेट की आपकी क्लास जो है बहुत जल्द जो है स्टार्ट होंगे, उसमें नोट्स और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए जाएंगे, जो कि आपके सीटेट 2022 के लिए एक बेहतर क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि आप सभी के भावी जीवन के निर्माण के लिए भावी शिक्षक बनाने में जो है काफ़ी सहयोग करेगा। अब आते हैं, बहुत सारे बच्चों के ऊपर है क्लास के डाउट। तो क्लास जो है रेगुलर अपडेट हो रही है, और मैंने आपको बताया था ना कि मेरा जो है टेक्निकल इशू था और मोबाइल के खराब होने की वजह से जो है बहुत सारे क्लास मिस हो गए हैं, लेकिन मेरी तरफ से जो है पूरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द जो है सारे क्लास को कराऊं और एग्जाम से पहले जो है आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, ये आप निश्चिंत रहे। और बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि नोट्स नहीं देते हैं, तो नोट्स जो है बेटा देखो अभी तक प्रिंट नहीं हुआ है, प्रिंट हो रहे हैं, अभी टाइप भी नहीं हुआ है, क्योंकि सारे कुछ हम अकेले करते हैं। जैसे जैसे कंप्लीट होंगे वैसे वैसे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराते रहूंगा। ऐसे में आपको बता दूं कि नोट्स के चक्कर में क्यों पढ़े हैं, जो मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ उसी को अगर आप लिख लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, लिखने के प्रैक्टिस हो जाएंगे, साथ ही साथ अभ्यास भी होगा, और लिखते लिखते जो है आपको सारे चीज़ याद हो जाएंगे। तो आप यही करें ना, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ क्लासेस में वो सारी क्लास को क्या करें कि एक नोट्स के तौर पर आप खुद लिखना शुरू करें, तो आपका एक बेहतरीन नोट्स बन जाएगा। और जब लिखेंगे तो उस समय बहुत सारे दिमाग में ऐसे बात आएंगे जो कि मेरे दिमाग में नहीं आया है, और आप नोट्स में उसे लिख सकते हैं, बेहतरीन नोट्स तैयार कर सकते हैं। कोई नोट्स बाहर से नहीं आते हैं, सारे सेम होते हैं, बस लिखने के तरीका लैंग्वेज अलग होते हैं, कहानी सब वही है, सारे टीचर आपको वही पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज के ऊपर डिफरेंस होता है, कोई लैंग्वेज हाई हो जाता है, कोई स्लो होता है, कोई ऐसा लैंग्वेज पढ़ाता है जो कि आपके डायरेक्ट दिमाग में जाकर बैठ जाता है। तो सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपके रिजल्ट है वो जरूर आएंगे, क्लासेस रेगुलर चलेगी, सीटेट की तैयारी में लग जाए जो सेकेंड ईयर क्रॉस कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर वाले भी जो है अपना फर्स्ट ईयर का पढ़े, और साथ ही साथ जो सेकेंड ईयर वाले हैं वो अपना सेकेंड ईयर वाले के पढ़े। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।